हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर 6, सो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 6। सो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस क्लास वी रीड द सूट सिस्टम, इन विच वी रीड द स्टेम एंड फंक्शन ऑफ द स्टेम एंड ब्रांचेस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो लेट स्टार्ट। लीव्स Leaves are the most important part of the plant, which are attached to the branch. So leaf is the important part of the plant. जो leaf होता है वो plant का important part होता है, जो कि attached होता है किससे? Branch से। Most leaves are green in color. जो ज़्यादा से ज़्यादा जो leaf होते हैं वो green color में पाए जाते हैं। However, they vary in shape and size. But जो है उनका शेप और साइज़ जो होता है वो वैरी करता है, मतलब कुछ लीव्स का अलग शेप होता है और कुछ लीव्स का अलग शेप या साइज़ होता है। लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीव्स जो है वो ग्रीन, लीव्स आर ग्रीन, जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। क्यों ग्रीन होते हैं? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है, और वही क्लोरोफिल के कारण जो है लीव्स हमको ग्रीन, लीव्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। वो ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसी के कारण वो ग्रीन कलर के होते हैं। दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग क्लोरोफिल अलोंग विथ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो लीव्स मेक देयर ओन फूड, जो लीव्स है वो खुद अपना फूड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्लोरोफिल का यूज़ करके, सनलाइट का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ों को लेके वो अपना खुद का खाना बनाते हैं। और उस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। और इसीलिए जो लीव्स होता है वो प्लांट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अपना खुद का खाना बनाता है, और खाना बनाने वाले प्रोसेस को, खाने बनाने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है? वो क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ों को लेके वो अपना खुद का खाना बनाता है, और उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। और यही कारण है कि जो है लीव्स जो है फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है, और लीव्स जो इसलिए इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। अब फंक्शन ऑफ लीव देखो, क्या है फंक्शन? लीव्स हैव होल्स ऑन देयर सरफेस विच हेल्प प्लांट्स टू ब्रीथ। जो लीव्स के सरफेस पे होल्स पाए जाते हैं वो उनको प्लांट्स, वो जो है वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को ब्रीथ करने के लिए। जो लीव के सरफेस में जो है छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, और वही होल्स जो है प्लांट्स को हेल्प करते हैं ब्रीथ करने के लिए। उसी तरह सेकेंड देखो क्या है फंक्शन, प्लांट्स लोस एक्स्ट्रा वाटर थ्रू देयर लीव्स। जो प्लांट्स हैं वो एक्स्ट्रा वाटर जो उनमें होता है उसको लूज करने का काम, उनको लॉस करने का काम भी किसके द्वारा करते हैं? लीव्स के द्वारा करते हैं। तो ये हुआ उनका सेकंड फंक्शन। थर्ड है, द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक मेथी, लेटस एंड स्पिनेच आर ईटन एज ए फूड। तो अब थर्ड फंक्शन क्या है कि लीव्स को हम लोग एज ए फूड भी खाते हैं, जिसको फूड के रूप में भी खाया जाता है। लीव्स को भी फूड के रूप में खाया जाता है कुछ प्लांट्स के, तो वो भी एक फंक्शन हुआ कि हम उसको एज ए फूड खा सकते हैं। जैसे तुम्हारा है क्या है, मेथी है, तुम लोग जानते हो मेथी खाते हो, स्पिनेच खाते हो, पालक खाते हो, लेटस हुआ, तो ये सब, ये जो है ये होते हैं लीव्स जिसको हम लोग एज ए फूड खाते हैं। देखो लेटस यहाँ दिया गया है और स्पिनेच भी दिया गया है, देखो पिक्चर दिया गया है, देखो लीव्स और स्पिनेच एंड मेथी, ये है स्पिनच और मेथी के लीव्स, और ये है तुम्हारा लेटस। सो ये हुआ लीव्स का फंक्शन। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नाउ क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई इज़ ए लीव कॉल्ड द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। तो क्यों बोला जाता है लीव्स को फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो लीव्स होते हैं वो खुद अपना फूड बनाते हैं, इसीलिए जो है लीव्स को किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, फ्लावर्स। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा फ्लावर्स। तो फ्लावर्स का क्या है, मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर्स विच वेरी इन कलर, साइज, शेप एंड स्मेल। तो बहुत से प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं
जो कि वेरी करते हैं, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, किसमें, कलर में, साइज में, शेप में और स्मेल में। तो ये सब चीज़ें हैं जो फ्लावर को डिफर कराते हैं, वेरी कराते हैं, अलग अलग फ्लावर को अलग अलग शो कराते हैं। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो फ्लावर होते हैं वो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं प्लांट के, मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का। फ्लावर ग्रो एट द टिप ऑफ द मेन स्टेम एंड एट द एंड ऑफ द ब्रांचेस, जो फ्लावर होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, जो टिप होता है स्टेम का, जो टिप होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं, या फिर ब्रांचेस के एंड में हमको ग्रो कर देखने को मिलते हैं। दे मे बी सिंगल और इन बंचेस, या तो वो सिंगल फ्लावर भी होते हैं या फिर वो बंचेस में भी पाए जाते हैं। अब तुम लोगों ने सबने देखा है रोज़ फ्लावर, इट विल बी सिंगल, सिंगल होता है, लेकिन उसी जगह पे अगर मैरीगोल्ड फ्लावर देखोगे तो वो बंचेस में पाए जाते हैं। तो हम लोगों को जो फ्लावर्स है सिंगल भी देखने को मिलता है और बंचेस में भी देखने को मिलता है। अब फ्लावर का फंक्शन क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, तो सी फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन, जो फ्लावर है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है जिससे कि प्लांट्स में पोलिनेशन हो सके, वहाँ पोलिनेशन हो सके, इसलिए उसके लिए जो है फ्लावर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स लेटर ऑन, और फ्लावर जो है बाद में क्या बनता है, फ्रूट्स बनता है। तो ये होता है फ्लावर्स का फंक्शन कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर पोलिनेशन। अब पोलिनेशन का मतलब वो कि जो नए प्लांट्स, उसी के टाइप के नए प्लांट्स को ग्रो करने में जो सीड्स डिस्पर्स होते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है पोलिनेशन। और वो कैसे होता है, जब इंसेक्ट किसी प्लांट्स के ऊपर या किसी फ्लावर के ऊपर बैठता है तो उसमें उसके सीड जो है पोलन ग्रेन जो है चिपक जाते हैं, और वही पोलन ग्रेन्स जब वो इंसेक्ट दूसरे प्लांट्स में जाके बैठता है तो वहाँ गिर जाते हैं या कहीं गिर जाते हैं, तो उससे नया प्लांट्स ग्रो हो जाता है। तो उस प्रोसेस को जो इंसेक्ट लेके जाता है पोलन ग्रेन, उस प्रोसेस को बोला जाता है पोलिनेशन। तो फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स लेटर और बाद में जो फ्लावर्स है वो फ्रूट्स भी बनते हैं। तो ये दो फंक्शन होते हैं फ्लावर्स के। अब नेक्स्ट है व्हाट डू फ्लावर बर्ड्स ब्लूम इनटू, अब जो फ्लावर बर्ड्स है वो क्या किस में ब्लूम होते हैं, तो फ्लावर बर्ड्स ब्लूम इनटू ए फ्लावर, जो फ्लावर बर्ड होते हैं वो ब्लूम होके मतलब खिलके क्या बनते हैं, तो फ्लावर बर्ड जो है खिलके एक ब्यूटीफुल फ्लावर में ग्रो करते हैं, मतलब ब्यूटीफुल फ्लावर में ब्लूम होते हैं, वह खिलते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर में। अब नेक्स्ट है तुम्हारा फ्रूट्स, तो देखो फ्रूट्स आर द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो फ्रूट्स होते हैं वो एडिबल पार्ट होता है, मतलब खाने वाला पार्ट होता है प्लांट का। दे मे बी ग्रीन, येल्लो, रेड एंड ऑरेंज इन कलर, अब वो ग्रीन कलर में भी होते हैं, येल्लो में भी होते हैं, रेड में भी होते हैं और ऑरेंज कलर में भी पाए जाते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड टेस्ट, जो फ्रूट्स के अलग शेप होते हैं, अलग साइज होते हैं और अलग टेस्ट होते हैं। सम फ्रूट्स हैव वन सीड वाइल सम हैव मैनी सीड्स, जो फ्रूट्स में कुछ फ्रूट्स में एक सीड पाए जाते हैं तो कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। सीड्स डेवलप इनसाइड द फ्रूट्स एंड द फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स, जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर डेवलप होते हैं, फ्रूट के अंदर डेवलप होते हैं और फ्रूट्स जो है सीड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंगो का दिया गया है, अब फ्रूट्स के अंदर है सीड्स तो ये फ्रूट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसी तरह से एप्पल में देखो, पपाया में देखो, फिर है वाटरमेलन, तो सीड्स जो है फ्रूट के अंदर ही डेवलप होते हैं जिससे कि फ्रूट उनको प्रोटेक्ट कर सके। अब नेक्स्ट है तुम्हारा सीड्स, तो सीड्स आर हिडन इनसाइड फ्रूट, जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर छुपे हुए होते हैं। व्हेन वी सो सीड्स इन द सॉइल न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देम, तो जब भी हम लोग सीड्स को सो करते हैं, उगाते हैं, तो सॉइल में जब भी उसको सो करते हैं तो नया प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होता है। सीड्स कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट, जो सीड्स है वो फूड कंटेन करता है, मतलब सीड्स में वो फूड प्रेजेंट रहते हैं जो कि बेबी प्लांट के लिए चाहिए होता है। सीड्स नीड इनफ एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, अब सीड्स को
ज़्यादा से ज़्यादा एयर, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है जिससे कि वो ग्रो हो सके एक नए प्लांट में। एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और उस प्रोसेस को, मतलब जो प्रोसेस जिसमें सीड्स का डेवलपमेंट होता है नए प्लांट में, एक नए प्लांट में, उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन। मतलब सीड से एक नया प्लांट बनना, उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन। सो स्टूडेंट, योर चैप्टर 6 इज कंप्लीटेड। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर।